हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे फ़ोन की गैलरी में जितने भी सारे फ़ोटोज़, वीडियोस या फिर हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट, ओके, मैंने किस किस से बात किया है, ये सब कुछ मेरे सिवा कोई और भी जानता है, यानी कि हमारे सिवा कोई और भी उसे देखता है और उसे मिसयूज भी कर सकता है। जी हाँ दोस्त, अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से, तो वो एप्लीकेशन क्या परमिशन मांग रहा है उसे बिना देखे ताकि फटाफट उस एप्लीकेशन को परमिशन दे देते हैं। लेकिन परमिशन देखते वक्त हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारा मिसयूज भी हो सकता है। हमारा जो पर्सनल डाटा है, हमारा इन्फॉर्मेशन जो कि हमारा पूरा खजाना है, हमारा जो भी पर्सनल डाटा होता है वो हमारे लिए पूरा खजाना से कम नहीं है। और ये खजाना अगर सरेआम बाज़ार में उछलने लगे तो आपका मिसयूज आसानी से हो सकता है। और ये सब कुछ जो वो जाता है ज़्यादातर चाइनीज एप्लीकेशन की तरफ। जी हाँ दोस्त, अगर इन फ्यूचर अगर चाइना की तरफ से भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उस वक्त आपके पर्सनल डाटा को मिसयूज किया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए एक एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके फ़ोन को पूरी तरह से स्कैन करेगा। जी हाँ, पूरी तरह से स्कैन करेगा और आपको ये बताएगा कि आपके फ़ोन में कौन कौन सा एप्लीकेशन जो है वो चाइना है। तो उसे आप डायरेक्टली वन क्लिक के अंदर जो है वो हटा सकते हैं अपने फ़ोन से हमेशा हमेशा के लिए। तो आप इस वीडियो को दोस्त ज़रूर देखिएगा, काफ़ी यूजफुल आपके लिए ये वीडियो है। ओके, तो चले बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो अगर दोस्त आप जानना चाहते हैं कि आपके फ़ोन में कौन कौन सा एप्लीकेशन चाइना का है और आप उससे एक क्लिक में अपने फ़ोन से सारा चाइनीज एप्लीकेशन को हटाना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप सबसे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसे आप एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए। और दोस्त अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करिए। ओके, अब चलिए डायरेक्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने फ़ोन से चाइनीज एप्लीकेशन को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्त, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का इसका एप्लीकेशन का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख रहा है क्लिक ऑन स्कैन नाउ टू फाइंड इंस्टॉल्ड चाइना एप्स इन योर सिस्टम, यानी कि हमारे फ़ोन में जितने भी सारे एप्लीकेशंस हैं चाइना का उसे ये स्कैन कर मुझे बता देगा कि कौन कौन सा एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन को आप जो है वो चुटकी में हटा सकते हैं अपने फ़ोन से। तो यहाँ पर क्या करना है, स्कैन नाउ पे क्लिक करना है आपको। स्कैन नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो है वो स्कैन किया और मुझे बताया कि टू चाइना ऐप्स फाउंड, यानी कि योसी ब्राउज़र और एक्सेंडर जो है वो चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं। तो इसे हम यहाँ से डायरेक्टली हटा भी सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट इसे हटा देते हैं अपने फ़ोन से, मुझे नहीं रखना है क्योंकि मेरा जो डाटा है, पर्सनल डाटा है, उसको जो है वो मेरा खतरा है उससे मुझे। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन यहाँ पर बता दिया कि आपने जो है वो चाइना ऐप्स जो वो हटा दिया और आपके फ़ोन में कोई भी चाइना ऐप नहीं है। ओके, तो इसी तरह से दोस्त जो आप पता कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में कौन कौन सा एप्लीकेशन है जो कि चाइनीज है और उसे आप जो है वो एक चुटकी में क्लियर कर सकते हैं, अपने फ़ोन से हटा सकते हैं। अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा तो लिंक आपको इस एप्लीकेशन का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पर DM करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।